हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन अल्ट्रा सन। जहां पर पिछली बार लाइव स्ट्रीम में, उसको चेक कर लेना, हम लोगों ने गूजमा को हरा दिया था, जिसमें काफ़ी मज़ा आया था। मुझे लगा यार थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टीम स्कल का बॉस है, तो मुझे लगा था थोड़ा चैलेंज होगा, पर नहीं यार, इतना ज़्यादा भी कुछ खास चैलेंज नहीं था। दो ही पोकेमॉन थे बंदे के पास, कुछ नया देखने को तो मिला था वैसे, पर वो हार गया राइट इसी गार्डन में। कुछ एरी, क्या नाम है इस गार्डन का, मैली गार्डन। तो यहाँ पर अभी ये अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है वैसे, तुझे कहीं जाना नहीं है वैसे। हमें यार रूट 11 को एक्सप्लोर करना है, तो इससे ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, कि अपनी जर्नी जो इसको करनी होगी वो खुद ही कर लेगा। जो भी है, खैर हमको लूट 11 पे जाना है। वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेनर्स मैंने देखे थे जिनको हमने तब नहीं हरा पाया था, पर चिंता मत करो, मैं अभी हरा दूंगा। देखते हैं ज़रा हरा पाते हैं कि नहीं हरा पाते, कि बीच में ही सुड़क जाते हैं। पर उससे पहले मैं ज़रा ये अपने पोकेमॉन पर थोड़ा सा चेक कर लूँ कि सब ठीक है नहीं है। अरे सब बढ़िया है, मैंने लगता है हील कर लिया था गूजमा की बैटल के बाद, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब टाइम पास करके वापस उधर तक नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बंदा तो बैटल नहीं कर रहा था जहाँ तक मुझे याद है। अब यार ऑफकोर्स मुझे ये चेक कर लेना चाहिए इंटरनेट पर कि रूट 11 पर हमें कौन से पोकेमॉन मिल सकते हैं। तो यार मैंने सोचा है कि मैं अब किया करूँगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर लूँ पोकेमॉन अल्ट्रा सन। वैसे तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम क्यों कर रहा हूँ, जो भी है खैर अभी कर देता हूँ। ठीक है, रूट लेवल जिससे हमें पता चल जाए ना यार कि कुछ खास पोकेमॉन मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, कि हम देखें यहाँ पर। तो रूट 11 पर हमें क्या मिल सकता है भाई, अल्ट्रा सन की बात है, ठीक है फोन की बात। ओके, तो बिग मशीन, ये सब तो आइटम्स हैं। अरे एक मस्त चीज़ है, पर ये चीज़ यार मुझे पता होनी नहीं चाहिए। ओके, रेडिकेट अलोलन फॉर्म मिल सकता है, पैरिस मिल सकता है, लेडियन एरिडोस, पैंचम यार चाहिए मेरे को यार, पैंचम तो मेरे को इस सन मून का है वैसे, अल्ट्रा सन मून का देखते हैं, सॉरी अल्ट्रा सन में पैंचम मिल सकता है, पैंचम मिल सकता है। कितना रेट है इसका, 20% है, लेवल 26-29। पैंचम चाहिए यार मेरे को पैंग्रो बहुत अच्छा लगता है। पैंचम तो है ही मस्त, पर मेरे को पैंग्रो बहुत अच्छा लगता है। एक्सक्लूसिवली फ्रॉम आइलैंड स्कैन, मॉनफोर्नो भी मिल सकता है यार एक्सक्लूसिवली फ्रॉम आइलैंड स्कैन। ये क्या बकवास है, व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या बकवास है भाई। खैर पता नहीं क्यों, जो भी बकवास है मुझे नहीं पता है, पर काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे वेस्ट कर दिया। हमें यहाँ पे पैंचम मिल सकता है यार, जिससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और वैसे अभी मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे एक पोकेबॉल पड़ी हुई है, जिसको मैं भी ले लूँगा, चिंता मत करो। पैंचम, ये बात मतलब इतना रेयर नहीं है यार, ये बढ़िया। ओके कोई बात नहीं, जो भी है मुझे पकड़ना है ये पोकेमॉन, और अभी मैं स्विच करने वाला हूँ बस। वैसे अभी तो शायद नहीं करूँ, 26 का बाद में कर दूंगा कभी, पर करूंगा ज़रूर यार, मन कर रहा है अगले एपिसोड में शायद से। अभी फिलहाल मैं अपनी टीम के साथ खेलना चाहता हूँ, गैरिडोस को यार इतनी जल्दी टीम से बाहर नहीं निकालना चाहता। अब अगले एपिसोड के लिए क्यों यार, तुम डिसाइड करो। तुम देख सकते हो साइड में मेरे पास कौन से पोकेमॉन, इनमें से मैं कौन सा निकालूं, पैंचम को रखूं, मैं सच में रखना चाहता हूं पैंचम को यार। ओके, इसको पकड़ना ही पकड़ना है ना अपने। ओके ठीक है, क्या यूज़ करें, कराटी चॉप यूज़ करें एक बार, मरना नहीं चाहिए बंदा यार, मर सकता है। ओके ओके, क्रिटिकल हिट था पर बच गया बंदा। ओके अब खुद को एलिमिनेट ना कर ले किसी तरीके से, वरना फिर गएगा मैं काम से। बस भाई बस, अब कितना मारेगा तू यार। ओके अब ये पोकेमॉन अपना है भाई, ये पोकेमॉन अपना है, तुम देख सकते हो यार, 1 HP है बंदे के पास या 2 HP जो भी है। मेरे पास पोकेबॉल्स होनी चाहिए बस, मास्टर बॉल तक है मेरे पास। जिनको नहीं पता, मैंने एक बंदे की सेफ फाइल यूज़ की थी, तो उसके पास मास्टर बॉल थी, पर चिंता मत करो हम लोग ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा फेयर गेम खेलेंगे। कमॉन पैंचम, तू मेरा है, तू भी जानता है ये बात है ना। हाँ यो ही ना, कुछ बात बोल रहा, मैं तो पहले ही बोल रहा था पकड़ में तो आना ही है इसने, बढ़िया। पैंचम इज आर्स। चलो अभी मैं फिलहाल रख नहीं रहा हूँ टीम में, मैंने तुम्हें बता दिया क्यों, तो भाई प्लीज मुझे बता देना कि मुझे किससे स्विच करना चाहिए इसको। और मुझे इसको निकनेम भी करने का मन कर रहा है यार। खैर जो भी है, तुम अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सा निकनेम हो ना पैंचम के लिए, तो वो भी बता देना मुझे यार, बड़ा अच्छा लगेगा अगर तुम निकनेम बताओ मुझे प्यारा सा एकदम पैंचम पे। ओके ठीक है, मुझे पार्टी में ऐड नहीं करना, गलती कर दी मैंने, नहीं करना मुझे ऐड, सॉरी माफ कर देना। सेंड टू बॉक्स भेजो अभी इसको, अभी बाद में देखेंगे इसको, चिंता मत करने का। हाँ यहाँ पे हिडन आइटम तो नहीं, पर हाँ पोकेबॉल पड़ी हुई है, बिग मशरूम। ओकी
चलो हमें यहाँ पर जो पोकेमॉन चाहिए था वो मिल गया, पर ये स्कैन वाली बात क्या थी यार, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम आइलैंड स्कैन। भाई अगर किसी को ये बात पता होना कि इसका मतलब क्या होता है तो प्लीज़ यार मेरे को बता देना एक बार, क्योंकि मॉनफर्नो भाई, मॉनफर्नो कौन नहीं चाहेगा भाई। ऑफकोर्स यार इन्फर्निप तो मेरा फेवरेट पोकेमॉन है, वन ऑफ माई फेवरेट्स, काफ़ी सारे फेवरेट है मैं जानता हूँ, पर फिर भी यार बहुत अच्छा पोकेमॉन है बंदा, तो अगर मिल जाए किसी रेस में मज़ा आ जाए। फिलहाल तो इन भाई बहन को या जो भी हैं ये लोग, क्या पता नहीं दोस्त, इनको हराते हैं। अरे फायर टाइप से काम बन जाएगा अपना, कोई बात नहीं यार, चाह संभाल लेगा, उसमें क्या है, चाह तुझ पे डिपेंडेंट हूँ मैं एकदम। लिलीगेंट को संभाल तू, लिलीगेंट की एचपी बहुत ज़्यादा होती है यार, एचपी स्टैट्स बहुत ज़्यादा हैं उसके। ओ इसके ब्लिजर्ड कब आया यार, बंदे ने ब्लिजर्ड सिखा रखा है इसको, ये तो सही अटैक है यार, बहुत बढ़िया यार बढ़िया। अब यार तेरे को अभी यूज़ करना था यार ये, चलो कोई बात नहीं। ये बात यार, ब्लिजर्ड से एक बार में काम हो गया यार, एक बार में काम हो गया ब्लिजर्ड से, समझ रहे हो तुम, कोई टेंशन ही नहीं है बिल्कुल नहीं। यस चा ऑफ कोर्स लेवल 35 का होगा, और अभी मैं स्विच कर देता हूँ, किसी और पोकेमॉन को सामने लाता हूँ। मेरे ख्याल से यार चा काफ़ी लेवल का हो चुका है, अभी हमें दूसरे लोगों को भी चांस देनी चाहिए, है ना, सही रहेगा। ओके अच्छी बात है, रेस्ट ऑफ द टीम को भी एक्सपीरियंस मिल गया। अब हम ज़रा अपने दूसरी टीम, मतलब और टीम पर ज़रा देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं टीम के और पोकेमॉन पर कि उनकी हालत क्या चल रही है। ओके ऑफकोर्स मैं इसको यूज़ करूँगा, पर एम ब्रोनो को थोड़ा और ट्रेन करना चाहिए मेरे को यार। अरे वैसे हाँ एक और बात यार, मुझे ब्रोनो का इंसीनियम से यूज़ करके देखना था, ये तो भूल ही गया था। इसका पता नहीं कैसा होगा ये जी मूव पता नहीं कैसा होगा, एक बार ट्राई करें। चलो ट्राई करते हैं, फायरियम जी से वापस ले लो यार, फायरियम जी से वापस ले लो, इंसीनियम जी देखते हैं भाई। अब देखता सर ये क्या होगा, अब ऑफकोर्स मैं इसको ट्रेनर पर ही यूज़ करूँगा, ठीक है मैं फालतू में इसको वेस्ट नहीं करने वाला। यहाँ पर कुछ ओके ऑफकोर्स एक पोकेमॉन आएगा, पैंचम हो सकता है वैसे। ओह सीनो ये तो वो वाला पोकेमॉन है जो एनर्जी खींच लेता है सबकी, मैंने ये एनिमे का ये वाला एपिसोड देखा था मैंने, ये पोकेमॉन सबकी एनर्जी खींच लेता था, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार इसमें, नो मैं नहीं पकड़ने वाला इसको, नो इंटरेस्ट एट ऑल। चलो हमें तो खैर यहाँ पर जाके देखना है, मतलब ज़ायगार्ड सेल है यहाँ पर, देखो चीटिंग तो मैंने की है माफ़ कर देना, पर मुझे पता नहीं था कि यार कि उसमें ये लोग बता देंगे कि ज़ायगार्ड सेल मिल जाएगा तुम्हें। भाई मुझे पता होता तो मैं क्यों करता ऐसा, पता बता दिया उन्होंने तो बता दिया, मैं क्या करूँ यार। अरे चलो इस छोटे बच्चे से बैटल करके जांचते हैं ज़रा इंसीनियम जी की पावर को, और मुझे वैसे यार इंसिनरेटर को आगे भेजना चाहिए था, ठीक है यार अब स्विच कर लेंगे, एक पोकेमॉन ना हो एक पोकेमॉन ये लो। गंदी बात, डेड एंड है बंदे के पास, कर लेता हूँ यार स्विच, इंसीनियम जी तो हमें देखना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, गालो भाई पोकेमॉन को, ब्रोनो भाई बाहर आ जा तू, दिखा दे अपना जलवा। जब बात यार एक तो ये हाथ जो लाता है ना भाई मज़ा आ जाता है, अरे पैरालिसिस कराएगा मेरे को, ये थोड़ी गड़बड़ है सच में। अबे बस मेरा जी मूव यूज़ हो जाए यार, ऐसा ना हो कि यूज़ ना हो। मेलिशियस मून सॉल्ट, ये क्या चीज़ है भाई, ये इसका ये कुछ ज़्यादा ही तगड़ा नाम है इसका, मेलिशियस मून सॉल्ट क्या होगा। अरे बाप रे, अरे यार मूव्स बड़े तगड़े बनाए अपने बंदे ने, बाप रे दिस इज अ थंबनेल, क्या तगड़ा लग रहा है। ओ भाई ने रिंग बना दी अपने ने, अरे बाप रे, अरे बाप रे क्या लंबा कट सीन था, अरे फुल टू उन्होंने एक दो घंटे का कट सीन दिखाया है फुल टू, पर जो ताकत देखी तुमने भाई, क्या ताकत थी यार, मजा आ गया यार भाई, तगड़ा मजा आ गया। और इसका पैरालिसिस हटाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो ये कर देते हैं, सही था यार बहुत सही था। करंस सीख रहा है क्या, वैसे तो इसमें बहुत अच्छे अटैक्स हैं यार, क्यों सिखाऊं मैं। फ्लेम बर्स्ट ड्रैगन क्लॉ, भाई बंदे ने थोड़ी गड़बड़ की है यार पोकेमॉन मूव्स के साथ,
क्योंकि बंदा लाइकेनरॉक ड्रैगन क्लॉ नहीं सीखता है यार ऐसे, अब फ्लेम बर्स्ट भी नहीं सीखता है, तो हटा सकता हूँ वैसे मैं। क्या चीटिंग है भाई ये, देखो बुरा मत मानना भाई जिसने भेजा था, अप्रिशिएटेड यार तुमने भेजा था, पर थोड़ा गलत है यार ये। अब मैं क्या हटाऊँ भाई, मैं हटाना नहीं चाहता ड्रैगन क्लॉ और फ्लेम बर्स्ट, मैं क्या करूँ, क्रंच मुझे सिखाना है। देखो फ्लेम बर्स्ट तो एकदम ही चीटी हो गया यार, एकदम ही चीटी, फ्लेम बर्स्ट हटाना पड़ेगा भाई, माफ़ करना पर ज़रूरी है ये। क्रंच सिखाओ, मैं नॉर्मल मूव्स रखना चाहता हूँ यार सच में। ओके ओ मैंने ये चूज़ किया था ना, ज़रा इसका पैरालिसिस हटा दें अपन, इसको थोड़ा अच्छा लगेगा फिर। अबे हट ही नहीं रहा, हट जा रे हट जा, पैरालिसिस ये बात। चलते को खाना बाद में खिलाऊंगा, तू भी फिलहाल पोकेबॉल के अंदर जा, बाकी हम देख लेंगे ठीक है, चिंता मत कर। अभी तो और ट्रेनर्स हैं वैसे, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। अरे ये ट्रेनर नहीं है, कुछ करवाएगा हमसे ये, अरे ट्रेनर ही है। आई एक्सेप्ट, इसके पास तो ये पोकेमॉन है जो कि टीम रॉकेट को हमेशा बचाता रहता है, इसका नाम भूल गया मैं, अभी पता चल जाएगा, अभी अभी देखना पता चलेगा अभी। बीवेयर, अरे वही तो, बीवेयर बीवेयर बीवेयर, इसको टीम रॉकेट पकड़ ले यार, सही रहेगा उनके लिए, पकड़ भी लेगी तो वैसे भी। देखो पहली बात, अगर पकड़ा तो जैसी पकड़ेगी, पक्की बात जैसी पकड़ेगी, ऐसे टाइप के पोके उनको जैसी ही पकड़ सकती है, और कोई नहीं पकड़ सकता। मुझसे लिखवा के ले लो, अगर एनिमे में ऐसा कोई सीन आया कि जैसी कोई ये पोकेमॉन को पकड़ेंगे तो जैसी के अलावा कोई नहीं पकड़ सकता इसको। पर अगर उन्होंने पकड़ भी लिया ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अपनी चलाएगा पोकेमॉन। और यार मैं आजकल सुन रहा हूँ, मैंने मतलब वहाँ तक देखा है एनिमे, सन एंड मून एनिमे, कि वो लोग अल्ट्रा वर्महोल के अंदर जाते हैं, मैंने वहाँ तक देखा है, और उनको अल्ट्रा रिकॉन स्क्वाड ऐसे कुछ बना दिया जाता है, मैंने वहाँ तक देखा हुआ है, मुझे ऐसा याद है, उसके बाद मैंने नहीं देखा है। और उसके बाद लोग बोल रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। और वैसे यार इसके बारे में बात करने का मेरा मन कर रहा है आज, तो चलो सोच रहा हूँ बात कर लूँ, छोटी सी 2 मिनट की बात करूँगा, इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें जिसको जिसको अच्छा नहीं लगता ना आर्ट स्टाइल सन एंड मून का, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बस एक बार बताता हूँ, उसकी आर्ट स्टाइल ऐसी इसलिए बनाई जिससे एक्सप्रेशंस बाहर निकले यार, उसके जो एक्सप्रेशंस है ना सन एंड मून एनिमे में, मैं क्या बताऊँ, इतने तगड़े एक्सप्रेशंस हैं, वो बस उसी आर्ट स्टाइल से कर सकते हैं वो लोग, और किसी से भी कर नहीं सकते। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात अगर तुम्हें नहीं भी पसंद आती आर्ट स्टाइल, तो मेरी बात नहीं मानना चाहते, तो भाई एपिसोड 30 से देखना चालू कर दो तुम, उसके पीछे का छोड़ो, तुम सब छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ कुछ बकवास है यार वो, स्कूल वूल पता नहीं क्या बकवास है यार, तुम उसको सब कुछ छोड़ो, तुम सीधा जाओ एपिसोड 30 के बाद, पक्की बात तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा, पक्की बात, क्योंकि वहीं से एडवेंचर चालू होता है उसका असली वाला, जो होना चाहिए था। तो अगर तुम दिल पर पत्थर रख के देखना भी चाहते हो, तो भाई एपिसोड 30 से देखो, और पत्थर तुम्हारा दिल से हट जाएगा, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगने लगेगा दिल से। ओके इसने हमें कुछ तो दिया, मैं ज़्यादा नोटिस कर नहीं रहा था। अरे अभी तो और ट्रेनर्स आएंगे यार, अभी ऐसे कहाँ यार, अभी ख़त्म थोड़ी ना होंगे। पर कोई बात नहीं, हमारी एनर्जी भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, हम सबको हरा के रहेंगे अभी तक, अभी तुम देखो। और तब तक वैसे मैं एक और चीज़ की बात कर देता हूँ, वैसे मुझे बात करनी नहीं चाहिए यहाँ पर, चलो यार यहाँ पर बात नहीं करूँगा अभी यार, पोकेमॉन की बात चल रही है, माइनक्राफ्ट की बात लाऊँगा तो कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे, पूरे दिन मैं उसी की बात करता हूँ, तो नहीं भाई मैं नहीं करूँगा उसकी बात अभी, हाँ उसकी हम लोग उसकी स्ट्रीम में बात कर लेंगे। ओके इसका भी जी मूव से काम बन जाएगा, तो जी मूव यूज़ कर लेते हैं, जितना जी मूव यूज़ करेंगे ना उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ये इसका भी तगड़ा है, पर यार इंसिनरोर का जो है ना यार कट सीन, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है यार, वो कट सीन बहुत सही है, ये तो मुक्के मुक्के से फिक रहे हैं, ये तो अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है, पर वो अलग ही चीज़ रिंग बनाता है बंदा उसमें, मस्त है वो चीज़, मस्त है। चलो हमारे लकड़बग के भैया तो हार गए, पता नहीं मैंने इनको ऐसा क्यों बोला, बोल दिया ऐसे ही बस मन किया, बढ़िया। यहाँ पर कुछ खास, हाँ यहाँ पर है ना कुछ खास हमारे लेने के लिए, ये हुई ना कुछ बात, वीक बॉल, ओ नो 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 नो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ओके अब मैं चीटिंग कर रहा हूँ, पर ज़ाइगार्ड सेल था कहाँ पे, ज़ाइगार्ड सेल कहाँ पे था, ऑन द साइड ऑफ द डर्ट पाथ इन द ईस्ट,
सदर्न ईस्ट ऑफ ब्लैक बेल्ट क्लेटन। ओके ब्लैक बेल्ट ट्रेनर क्लास, अच्छा ठीक है। तो ये क्लेटन था क्या भाई? शायद से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट रिवर के पास, कहाँ पर? ऑन द साइड ऑफ द डर्ट पाथ इन द ईस्ट। ओके डर्ट पाथ के पास में ना, तो मे बी यहाँ पर कहीं पर है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए। साउथ ईस्ट ऑफ दिस गाय, तो भाई यहाँ पर नहीं है, नहीं है यहाँ पर, नहीं है भाई यहाँ पर नहीं है। पता नहीं ज़ायगार्ड सेल यार ढूंढना इतना मुश्किल होता है क्या? कहाँ है ज़ायगार्ड सेल भाई? वो चमकता वमकता है क्या, ऐसा कुछ है क्या? है तो बताओ यार कैसे देखते हैं, मुझे पता नहीं है यार। चमकता हो तो बताओ ना, इतना भयंकर तुक्का कौन लगाएगा भाई, इतना ज़्यादा भयंकर तुक्का, समझ रहे हो तुम? हमसे ना हो पाएगा यार, हम नहीं कर सकते ऐसा। हाँ मैं ट्रायल कर रहा हूँ, प्लीज़ यार ये डोर खोल जल्दी से और मुझे जाने दे। इलेक्ट्रियम जी है मेरे पास। हाँ गोस्ट टाइप ट्रायल, बाप रे गोस्ट टाइप ट्रायल के लिए मेरे पास है क्या पोकेमॉन? होने तो चाहिए। चलो ये तो खुल गया, वैसे मेरे पास है नहीं, सही बताऊँ तो मेरे पास नहीं है पोकेमॉन उसके लिए। एक सेकेंड यार, कहाँ पे है? डर्ट पाथ के बगल में ना कुछ चमक रहा है क्या? इधर लग तो नहीं रहा भाई कुछ चमक रहा है। मैं रैंडमली ए प्रेस कर रहा हूँ जिससे कुछ शायद मिल जाए। नहीं यार नहीं मिल रहा, अगर किसी को पता है कैसे मिलता है तो बता देना यार मेरे को, एक बार मैं और चेक कर लूँ बस। अरे तो अल्ट्रा सन का थोड़ी ना था, सन एंड मून का था। अल्ट्रा सन में है क्या? अल्ट्रा सन में नहीं लगता है। ओके अल्ट्रा सन में शायद से नहीं है, शायद से। ऑन द साइड ऑफ दर्ट पाथ इन ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ ब्लैक बेल्ट, हाँ नहीं है नहीं है नहीं है। या फिर ब्लैक बेल्ट एक और था वैसे, हो उसके पास भी हो सकता है, क्योंकि उसने तो हमसे थोड़ा स्पेशल बात भी की थी। हाँ यहाँ पर हो सकता है भाई। ओके तो मैं उससे बात क्यों कर रहा हूँ, मैं तो उससे बात करने का बोला भी नहीं। हट हट हट, अरे हट जा, कितनी बात करेगा मेरे से? फाइटी एमजी की बात चल रही है यार। मास्टर भाई कितनी बात करेगा? ठीक है इसके ईस्ट में ना, साउथ ईस्ट बोला था ना, अरे साउथ ईस्ट बोला था मैं, बताया इतना बुरा टाइम पास कर रहा हूँ ना, छोड़ो यार। ज़ायगार्ड सेल भाई चाहिए यार मेरे को, ज़ायगार्ड सेल थोड़े मिल जाए तो हम लोग ज़ायगार्ड बना देंगे बाद में। मुझे ट्रिक नहीं पता क्या चीज़ है, पर जो भी है यार तुम मुझे हेल्प कर दो भाई इसी बात में यार, चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे हापू, हापू अगर तुम्हें याद हो, हापू हमें बहुत पहले मिली थी यार, टीम रॉकेट से, टीम स्कल से बचाया था हमें, टीम रॉकेट की बोल रहा हूँ, टीम स्कल से बचाया था इसने हम लोग को। और इसका ये घोड़े वाला पोकेमॉन भाई मेरे को भी चाहिए यार, मस्त लग रहा है, बहुत प्यारा सा है। इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल अबाउट ऊला ऊला यू ऑट टू डू इट वाइल एस्ट्राइड मडस्टेल। ठीक है ठीक है, मडस्टेल के ऊपर मतलब सवारी करनी है। ओके ठीक है मैं समझ गया। राइट पेजर में रजिस्टर कर दिया मडस्टेल को, वैसे तो पहले ही कर दिया था ना, नहीं किया था क्या? मुझे लगा कर दिया था। By no means was I just waiting for a time when you were in trouble। लग तो कुछ ऐसा ही रहा थे, मतलब था, मतलब है, जो भी है। Let me pose a question, do you know the Ultra Recon Squad? I keep running into them, हाँ मुझे बहुत बार मिलते हैं वो लोग। They seem to be here for investigating something। Luckily it is quite in keeping with the people and Pokemon of Alola to help me। हाँ ठीक है, हाँ ये तो मुझे पता है टापू, ये तो भाई रोटोम भी बता देता मुझे, उसमें क्या बड़ी बात है। वेरी गुड वेरी गुड, वैसे ये भी एक कैप्टन ही होगी, कैप्टन क्या है, तो ग्रैंड ट्रायल वाली बंदी होगी यार इसकी, तो मेरे को ग्रैंड ट्रायल करनी पड़ेगी, मैं क्या सोच रहा हूँ। चलो हाँ, अरे मैं यहाँ पे गिरने वाला था, अरे यहाँ पे तो मडस्टेल की ज़रूरत पड़ेगी ना, ये खुरदुरे से रास्ते पे, शायद ये भी बंदा हमें यही बोलेगा कि मडस्टेल को अपनाओ यहाँ पर। मडस्टेल काम आएगा हमारे यहाँ पर, चलो मडस्टेल को यूज़ कर लेते हैं, उसमें क्या आजा मडस्टेल, अब तो मैं तेरे को लेके घूमूंगा। नहीं ओके ओके ठीक है, वो जो लैग था ना, ओके ठीक है मैं पहले सेव कर रहा हूँ भाई, वो जो लैग था अगर वहाँ पर गेम क्रैश हो जाता ना तो मेरे से अनफॉर्चुनेट बंदा कोई होता नहीं भाई ज़िंदगी में, सच में भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ यार,
मैं डर गया था यार बहुत बुरा, अभी क्रैश हो जाता ना मैं ऐसी तैसी मर जाती मेरी। बर्न हील बढ़िया। यहाँ पर कुछ, अरे क्या मस्त घुड़सवारी है। पर मैं सच बताऊँ स्टाउट टेंट पे बैठने में ज़्यादा मज़ा आता है, सच में उसमें ज़्यादा मज़ा आता है बैठने में, और उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है टोरोस पे बैठने में, वो भाई अलग चीज़ है। अरे ग्रैवलर सोच रहा हूँ पकड़ लूँ यार इसको, मैं सोच रहा हूँ ऐसा, मैं मरेगा तो है ही वैसे। अब मैं इस पर अगर कराटी चॉप जैसी चीज़ यूज़ करूँगा तो मरेगा है ना, ऑफ कोर्स मरेगा। ओ नहीं मरा, ओके ठीक है, मैं तुक्का लगाया था कि मरेगा सिर्फ। नहीं यार बकवास मूव यार, एक तो खुद भी मरता है मेरे को ही मरवाता है यार, बकवास चीज़ है यार ये बकवास है यार ये। अबे तेरे को खुद मर रहा था तो मेरे को क्यों मरवाया भाई, कहीं कोने में जाके मरता ना। नहीं पकड़ना मेरे को, तेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे को। कैसा आदमी है यार, कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं यार इस जिंदगी में यार, समझ में नहीं आता किसी को कुछ भी। अब मेरे फुल रिवाइव कहाँ हैं, मैक्स रिवाइव कहाँ हैं मेरे, पता नहीं कहाँ हैं यार, अब मुझे ऐसे ही रिवाइव करना पड़ेगा। सुपर पोशन कहाँ है, ये रहे लो ये। ऐसे पागल पागल पोकेमॉन मेरे को ही मिलते हैं। ओके लगता है दो रास्ते हैं उधर जाने के, पहले ये कौन सा देखें, पहले चलो यही वाला देख लेते हैं यार। अरे ओके मर्जिल को हटाना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं हटा देते हैं। ओह यहाँ पे तो टीम स्कल है यार। यार मैंने हाँ मैंने ही तो कर ही लिया, चलो बैटल ही कर लेता हूँ और क्या, टीम स्कल ही तो है और कुछ वैसे है वैसे थोड़ी ना है, टीम स्कल छोटी मोटी टीम है यार। आ जा तू तो आ जा। बॉल देखो बंदे के पास, डस्क बॉल लेके घूम रहे हैं लोग। अरे पैंचम्प और सैंडाइल, डू आई हैव अ वाटर टाइप पोकेमॉन, ऑफ कोर्स आई हैव। ठीक है वैसे तो सैंडाइल तो यार गेंगार ही मार देगा, आई मीन सैंडल मतलब क्रोकोरॉक, इसका नाम बड़ा अजीब है यार, और हो सकता है मैं गलत ले रहा हूँ उसका नाम, बिल्कुल हो सकता है, पक्के से हो सकता है भाई। चलो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये ट्राई कर लेता हूँ एक बारी, देखते हैं कुछ खास असर पड़ता है क्या। अरे काफ़ी असर पड़ा, वो तो देखो क्रोकोरॉक को तो मरना ही था, अच्छी बात हुई, और पैंचअप को तो यार अपना चा मार देगा उसमें कोई बात नहीं है, बढ़िया। और जल्दी जल्दी लेवल अप हो रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मुझे ये मूव बिल्कुल पसंद नहीं। फ्लाइंग प्रेस अवॉइडेड द अटैक, क्यों, ठीक है हमने भी अवॉइड कर लिया पर उसने क्यों कर लिया यार अवॉइड अपना अटैक, गलत बात है ना ये तो। मैं शैडो बॉल यूज करेगा और क्या। अरे बाप रे, वेरी बैड वेरी बैड। चलो टीम स्कल तो हर बार की जरह जैसे हारती है वैसी हार गई है, सो बैड। देखो मैं सही बताऊँ ये एक्सप्रेशन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम वैसे भी हारने वाले थे, तो प्लीज़ फालतू के एक्सप्रेशन मत बनाओ अच्छा रहेगा। कुछ खास यहाँ पर एक पोकेबॉल छुपी तो नहीं पड़ी कहीं, ओ एक ट्रेनर, नो प्रॉब्स आई कैन फाइट हम। शायद मैं ये मेरी पोकेडेक्स में रजिस्टर होगा, मैं पहली बार देख रहा हूँ शायद इसको। रोटॉम रजिस्टर करेगा तू, नहीं करेगा शायद, नहीं करेगा, ओके ऑफ कोर्स फाइन विथ मी। वैसे तो यार जी मूव यूज़ करने में क्या टाइम पास करना है, फ्लाइंग प्रेस यूज़ करो सीधा सा। जी मूव इसमें क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, वैसे मरेगा नहीं ये पहली बात तो, पर फिर भी मुझे पता था नहीं मरने वाला, कोई बात नहीं एक और फ्लाइंग प्रेस से काम मिल जाएगा। बढ़िया। अब हमें आगे बढ़ना है, जरा देखना है कि आगे क्या है, वैसे तो मैप पे थोड़ा बहुत दिख ही रहा है। एलिक्सर है ये रे इधर, तो हमें तो इधर जाना है।
एक साइन जो कि ऑफकोर्स यही बोल रहा होगा ट्रेनर टिप्स ये देखो वो देखो, हमें ना देखनी, हमें बिल्कुल ना देखनी। ग्रैवलर यार, ग्रैवलर से तो मेरा दूर दूर तक अब कोई नाता नहीं यार, ये लोग सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देते हैं यार, गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। यार हम बाहर तो निकल गए यहाँ से, और वो ट्रेनर है वहाँ पे, ये ट्रेनर है या नहीं है? ओके, ड्रैगन टेल इज अ मूव दैट सेंड एन ओपोनेंट फ्लाइंग इन बैटल। हाँ मैं जानता हूँ भाई, दूसरा ओपोनेंट आ जाता है मतलब दूसरा पोकेमॉन आ जाता है अपना, बाहर निकल जाता है। ओके तो अभी तो यार लॉन्ग वे है टू गो, पर फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि उधर और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने मिस कर दी, क्योंकि मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लेके आ गया ना, तो ऑफकोर्स मैंने चीज़ें मिस की हैं यार। इधर तो बहुत ट्रेनर्स हैं यार, देखो मुझे लगा नहीं था इतने सारे ट्रेनर्स होंगे एक्चुअली यहाँ पर। तो वैसे अभी तक लिए यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। आई होप यू गाइस एंजॉयड, अगर तो मज़ा आया तो लाइक मारो यार, अभी हम लोग ट्रायल के बहुत पास में हैं, गोस्ट ट्रायल आने वाली है बस, तो उसके लिए हाइप बढ़ाओ थोड़ी सी और लाइक मारो, थोड़ा लक मिलेगा, एक गुड लक चार्म होगा। अभी तक लिए इतना ही, आई होप यू गाइस एंजॉयड, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम और पीस आउट।